रूस की राजधानी मॉस्को में बहुत बड़ा हमला हुआ है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अंधाधुंध फायरिंग की गई है और उसके बाद बताया गया कि ग्रेनेड भी फेंका गया है। शॉपिंग मॉल इसका पूरा टारगेट यहां पर रहा है, जिसमें 12 लोगों की जान गंवाने की खबर है। मौत का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, 35 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। और साथ ही जिस मॉल की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, ये छोटा सा वीडियो जो आप देख रहे हैं, वो उसके अंदर, इस मॉल के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई गई है। एक बहुत बड़ा मॉल जिसमें लोग खरीदारी के लिए या फिर अपने दिनचर्या के हिसाब से आए हुए थे, मालूम नहीं था कि एक बड़ी वारदात के तहत वो इस तरह से फंस जाएंगे। 12 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, 35 लोग इसमें बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं। और जो ये अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, जिसकी गूंज यहां पर बताती है कि कितना बड़ा यह हमला है। वैसे अमेरिका की तरफ से इस पर रिएक्शन आया है, आतंकी हमला बताया जा रहा है कि आतंकी हमला यहां पर हो सकता है, क्योंकि अगर ग्रेनेड फेंका गया है, इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग यहां पर हुई है, तो आशंका इसके पीछे फिलहाल अमेरिका ने जताई है कि आतंकी हमला हो सकता है। मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल था ये, जिसमें ये फायरिंग हुई है, जिसमें 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये बेहद दर्दनाक खबर है। 100 से ज्यादा लोग जो फंसे हुए हैं, अब उनकी जिंदगी को महफूज करना ये रूस की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और प्राथमिकता भी इस वक्त इसी में है कि इन 100 लोगों की जिंदगी यहां पर बचाई जा सके। लेकिन जो अंधाधुंध फायरिंग यहां पर कर रहा है, वो महज एक शख्स है या फिर इसके साथ इसके कुछ और भी खूंखार आतंकी आसपास मौजूद है? क्या वाकई इतना बड़ा आतंकी हमला है? एक सोची समझी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया यहां पर गया है? कुछ सवाल हैं जो धीरे धीरे निकल कर सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद हॉल जो है वो आग की लपटों में यहां पर सिमटा नजर आया। लेकिन जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, उसमें आप गोलियों की तड़तड़ाहट सुनिए गौर से, तब मालूम चलेगा कि किस, देखिए ये तस्वीर आप देख लीजिए, जब अंधाधुंध फायरिंग हुई, ग्रेनेड फेंका गया, तो किस तरह से आग की ये लपटें यहां पर नजर आई। काला धुआं, काले धुएं का ये गुब्बार जो आसमान छूता इस वक्त नजर आ रहा है, वो बताने के लिए काफी है कि एक बड़ा हमला हुआ है, किस तरह से इसे अंजाम यहां पर दिया गया है। अंधाधुंध जो है फायरिंग की गई है, गोलियां चलाई गई है, और उसके बाद ग्रेनेड फेंका गया है। अगर ग्रेनेड फेंका गया है, तो सीधे सीधे मतलब यहां पर यही निकलता है कि रूस की राजधानी मॉस्को को सोची समझी साजिश के तहत आतंकी वारदात का शिकार बनाया गया है। और 12 लोगों की इस तरह से जान चली जाना ये एक बहुत बहुत ही दर्दनाक खबर है। 35 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं, लेकिन 100 लोग जो इस वक्त इस शॉपिंग मॉल में फंसे हुए हैं, जो इसका शिकार यहां पर हुए हैं, अब चुनौती है एक एक कर इनकी जिंदगी को बचाना, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि यह आतंकी हमला, इसकी आशंका यहां पर जताई गई है, क्योंकि अगर कोई संकी यहां पर होता तो ग्रेनेड हमला नहीं होता। और इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग जो हो रही है, मालूम सीधे सीधे यहां पर चलता है कि यह कोई मामूली बंदूक नहीं है, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से वो लेस गन इसके पास मौजूद है, जो एक बार में ही कई राउंड जो फायरिंग यहां पर कर सकता है। क्योंकि जो गोलियों की तड़तड़ाहट आप सुन रहे हैं, जो आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो ये फिलहाल बताने के लिए काफी है कि किस तरह से एक बार में कितने राउंड यहां पर लगातार फायरिंग यहां पर हो रही है। 100 से ज्यादा लोग इस मॉल में, शॉपिंग मॉल में फंसे हुए हैं, एक ग्रेनेड भी फेंका गया है। क्या अब भी कुछ स्थिति ऐसी ही है, या फिर ये देखिए ऊपरी तस्वीर इस वक्त आप देखिए, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है। आपको इस शख्स, ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है, सोचिए दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली, दहशत भरी ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई दे रही होगी। वो आपको आरोपी भी नजर आ रहा होगा, या फिर सीधे सीधे कहिए कि ये वो दोषी है जिसने 12 लोगों की जिंदगी को देखते ही देखते मौत में तब्दील कर दिया। एक शॉपिंग मॉल को कब्रिस्तान में देखिए किस तरह से इसने तब्दील कर दिया है। ये मॉस्को है, रूस की राजधानी, या आप देखिए इस शख्स को देखिए किस तरह से एक वीडियो गेम की तरह किस तरह से ये आतंकी जो है वो हमला कर रहा है। ये आतंकी हमला है। अमूमन जब हम इस तरह की वीडियो देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि या तो कोई संकी यहां पर होगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, ये एक आतंकी है।